Prime Minister Narendra Modi reached Noida on Thursday for the foundation stone of ambitious Delhi Meerut Expressway project. The project will cost rupees 7,566 crores and will include construction of 74 km long Delhi Dasna Meerut 14 lane expressway and upgradation of 22 km long Dasna Hapur section of NH24 in three phases. Presently, there is only one route, NH58, between Delhi and Meerut, on which the traffic remains jammed at several places, thus causing a lot of inconvenience to the people. Correspondent Amit from Noida for AIA. प्यारे भाइयों और बहनों, के स्वातंत्र संग्राम में मेरठ को विशेष रूप से याद किया जाता है। 1857 के स्वातंत्र संग्राम में मेरठ ने गुलामी से मुक्ति का मार्ग दिखाया था और आज दिल्ली से मेरठ का ये एक्सप्रेस हाईवे प्रदूषण से मुक्ति का मार्ग दिखा रहा है। बदलते हुए वक्त में रफ्तार रुकने वाली नहीं है और रफ्तार की गति भी रुकने वाली नहीं है। जब ये निश्चित है कि रफ्तार तेज होने वाली है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी रफ्तार के अनुकूल बनाना आवश्यक हो जाता है। आज से 20 साल 30 साल पहले अगर गांव में किसी किसान से बात होती थी तो गांव के लोग क्या कहते थे? वो कहते थे, साहब इस बार अगर सूखे का कोई काम निकलता है तो हमारी तरफ काम शुरू करवाइए और कम से कम हमारे यहां मिट्टी का काम करवा दीजिए ताकि आने जाने के लिए रास्ते के नाते वो उपयोग में आ जाए। 25-30 साल पहले हमारे देश का गांव का व्यक्ति सिर्फ दो गांव के बीच मिट्टी का काम करवाने के लिए मांग करता था ताकि आने जाने की सुविधा हो, मिट्टी लग जाए तो काम चल जाए। लेकिन आज 25-30 साल के भीतर भीतर गांव का व्यक्ति भी आता है तो कहता है, साहब पक्की सड़क नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि हमारे यहां पैवर रोड लगाइए, पैवर रोड लगाइए। उसको पक्की सड़क से भी संतोष नहीं है, उसे सिंगल लाइन सड़क से भी संतोष नहीं है, उसे डबल लाइन चाहिए, फोर लाइन चाहिए, पैवर रोड चाहिए। गांव का इंसान भी इस बात को भली भांति समझता है कि अगर विकास की यात्रा के साथ जुड़ना है तो मुझे सबसे पहले मेरे गांव को सड़क से जोड़ना है, अच्छी सड़क से जोड़ना है, तेज गति से दौड़ने वाला रास्ता चाहिए मुझे। एक तरफ एक्सप्रेस हाईवे की भारत के भिन्न भिन्न भागों में श्रृंखला बढ़े, जब एक शहर को 100 किलोमीटर की रेडियस में
अन्य छोटे छोटे शहरों के साथ जोड़ा जाता है तो सिर्फ रास्ते नहीं बनते, लेकिन वो 100 किलोमीटर की रेडियस में आने वाले हर छोटा मोटा गांव, हर छोटा मोटा शहर उसी ताकत के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। दिल्ली के साथ सट करके ये जो रोड नेटवर्क बनाने का हमने अभियान उठाया है, वो पूरा अभियान दिल्ली के 100-150 किलोमीटर की रेडियस के सारे क्षेत्र के विकास का एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। और इसलिए ये सिर्फ रास्ता नहीं बन रहा है, ये विकास का राजमार्ग बन रहा है। आज हमारे देश में जो मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के नागरिक हैं, उन परिवारों में वीकेंड के कार्यक्रम बनते हैं, वीकेंड में आउटिंग करने का कार्यक्रम बनता है, या वीकेंड में आ रहे दोस्तों को घर पे बुलाने का कार्यक्रम बनता है। धीरे धीरे बड़े शहरों में मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग में वीकेंड में 2 दिन के लिए परिवार के साथ कहीं न कहीं जाना, ये धीरे धीरे एक पारिवारिक जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन वह कहां, दूर तो नहीं जा सकते। अगर एक बार दिल्ली के बाहर 100-150 किलोमीटर जाने के लिए अगर अच्छा से अच्छा नेटवर्क मिल जाता है, अच्छे से अच्छे रास्ते मिल जाते हैं, तो दिल्ली से जो मध्यम वर्ग का, उच्च मध्यम वर्ग के करोड़ों नागरिक हैं जिनको बाहर जाने का मन करता है, ये जो छोटे छोटे शहर हैं उनके नागरिक, उनको बाहर जाने का मन करता है, ये व्यवस्था उनके काम आएगी। और उसके कारण वीकेंड टूरिज्म एक नया व्यवसाय विकसित होगा इस इलाके में।